इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही के कारण कई लोग रेल हादसे का शिकार हो जाते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पार करने को लेकर कई तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से रेलवे विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार दिवस यानी कि क्रॉसिंग गेट डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश रेलवे रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों और क्रॉसिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, ताकि लोग रेलवे क्रॉसिंग को लेकर अवेयर हो सके और तय नियमों का पालन कर सुरक्षित रहे। रेलवे मंडल रतलाम के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने इंदौर रेलवे स्टेशन अपने कार्यालय में आज बताया कि रेलवे क्रॉसिंग गेट डे आज मनाया जा रहा है, जहां नुक्कड़ नाटक सहित तमाम आयोजनों के माध्यम से लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पार करने के नियमों को बताते हुए जागरूक किया जा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग गेट जो डे है 15 जून को आज मनाया जा रहा है, तो पूरे रतलाम मंडल में सभी स्टेशनों पे नुक्कड़ नाटक और दूसरी जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह लेवल क्रॉसिंग गेटों पर पंपलेट और दूसरी तरह से सभी जो रोड यूजर हैं उनको अवेयर किया जा रहा है। इस तरह से ये इसका पूरा मकसद है कि जो गेट पे लोग क्या है कि फाटक को तोड़ के और क्रॉस कर जाते हैं, या फिर दूसरे नीचे होकर निकलने की कोशिश करते हैं दोपहिया वाहनों से, उन लोगों के लिए अपील है कि इस तरह की जो चीज़ें हरकतें ना करें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, उसको आप सजो के रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही जो है आपका जीवन ले सकती है। तो ये हम लोग दूसरे जो मीडिया के चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाते हैं स्टेशनों पे भी, और विज्ञापन और डिस्प्ले बोर्ड जो हमारे टीवी उसके थ्रू भी हम लोग ये सारा जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो हाल में ही हम लोगों ने ये पूरे नुक्कड़ नाटक पूरे स्टेशनों पे सभी जो रेलवे फाटकों पे पूरे दिन भर तक चलेंगे, तो ये एक अभियान है और इसमें पूरे जो है कि रेलवे जो सुरक्षा है इसको विशेष पे ध्यान रखते हुए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।